तो गाइस आज मैं ऐसे रेस्टोरेंट में आके बैठा हूँ जिसका चर्चा ना पूरा मुंबई में होता है दोस्तों, क्योंकि ये चल रहा है 1895 से। सोचिए इतना साल पुराना ये रेस्टोरेंट है, तो समझ सकते हैं भाई कैसा ये रेस्टोरेंट होगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इस वक्त अपने घर पे होंगे और मजे करते होंगे। तो गाइस मैं भी आ चुका हूं मुंबई के लोअर परेली इलाके में, जी हां दोस्तों, और आज मैं चलने वाला हूं मुंबई का फेमस होटल। जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं लेकिन उसको फेमस होटल के बारे में पता नहीं रहता है, तो आज मैं जाने वाला हूं भगत तारा चंद, जिसका नाम मैं सुना हूं। ठीक है, तो एक लोअर परेली में नया होटल खुला है, तो वहां पे चलने वाला हूं और देखते हैं कि किस सड़क पड़ता है। तो ये रहा स्टेशन लोअर परेली का, तो उस तरह मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉपर से और देखते हैं लोअर परेली का क्या क्या वहां पे फैसिलिटी दिया गया, जो खाना डिश है वो किस प्रकार से टेस्टी होता है, कितना टेस्टी रहता है और इसका प्राइस क्या रहने वाला। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम निकलते हैं यहाँ से स्टेशन से बाहर जेंस दो, और देख पा रहे ये है ईस्ट का लोअर परेल ईस्ट जेंस दो, और यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है राजवाड़ी होटल। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाएगा यहाँ पर राजवाड़ी होटल, तो इसी तरफ से आप लोगों को आगे जाने के और उसी तरफ से आप लोगों को मिलेगा पाँचू रेस्टोरेंट एंड बार जेंस दो, देख पा रहे हो। तो इसी तरफ से आप लोग को सीधा सीधा जाने के है, तब मिलेगा आप लोग को लोअर परेल का जो होटल भगत चंद, और उससे पहले देख पा रहे यहाँ पे लिखा है बाबा जी जामसे डेकर मार्ग जेंस दो, तो इसी मार्ग से आप तो होते हुए जाने का लोअर परेल होटल जेंस दो। अगर आप लोग आते हो ट्रेन से तो इस रास्ते से आ सकते हो, ये आसानी पड़ेगा आप लोग को, मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा आप लोग को यहाँ तक पहुँचने में, या फिर अगर आप लोग गाड़ी या बाइक से आए हैं तो यहाँ पे आ सकते हो। ये है गणपत राव कदम मार्ग जेंस दो, यहाँ पे देख पा रहे सिप्ला कंपनी है और ये जो मार्ग का नाम है आप लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं गणपत राव कदम मार्ग जेंस दो, और जस्ट इसके बाजू में यहाँ पे लिखा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ बड़ा सा शोरूम जैसा है, ये लिखा है फेबल कासा जेंस दो, फेबल कासा जो शोरूम है इसके नीचे यहाँ पे लिखा है गणपत राव कदम मार्ग। तो इसी तरफ से आगे जाएंगे जस्ट सामने ही आप लोग को मिलेगा लोअर परेल का भी भगत तराचंद जेंस दो, तो देखिए सामने मिलेगा आप लोग होटल, सामने चलता फटाफट से और दिखाता हूं। तो गाइस देख पर मैं पहुंच चुका हूं यहां पे भगत तराचंद के बाहर, और यहां पे देख पर ये लिखा बर्गर किंग और इसके आगे भगत तराचंद। ठीक है, भगत तराचंद है, तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि भगत तराचंद का लुक कैसा है। ठीक है, सर आप पानी कौन सा लेंगे, बिस्लरी वाटर या रेगुलर वाटर? रेगुलर वाटर जी। ओके, रूम टेम्परेचर है चिल्ड? रूम टेम्परेचर। थैंक यू सर। फेमस पनीर खाना पसंद करेंगे या वेजिटेबल में? हमारे यहाँ का फेमस स्टार पनीर अंगारा ड्राई बेसी कबाब हरा भरा कबाब। ऐसा चीज खिलाओ जिससे मेरे पेट भी भर सकता है। क्या ऐसा चीज खिलाओ जिसमें सब कुछ आता हो? सब कुछ आप थाली थाली लीजिए, थाली दाल सब्जी थाली सूप चटनी में सब कुछ होना चाहिए। थाली लीजिए आपका सब कुछ आएगा उसमें, आपका और कुछ बेटर हो सकता है और सब कुछ उसे थाली में आएगा। थाली से बेटर आप आला काट लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। आला काट में क्या क्या है? आला काट में पनीर हमारे यहाँ का अभी फेमस पनीर चटपटा भेज दी आती है इधर का भी, वो लीजिए अच्छा रहेगा। भेज चिल्ली मिली, भेज जाते हैं आपका चौप वेजिटेबल आएगा, लाइटली पनीर आएगा, पालक का पत्ता डालते हैं ग्रीन होने के लिए, रेड ग्रीन आएगा, मीडियम स्पाइसी, मीडियम तीखा, मिलेगा रेगुलर भी मिलेगा। अच्छा, मैं तो रेगुलर अगर आला कर मंगाएंगे तो मैं थाली लूंगा सब कुछ। अभी थाली में आपका पनीर का भाजी आएगा और दो वेजिटेबल आएगा, एक सूखा भाजी रहेगा, ग्रेवी मिलेगा, एक स्टार्टर आएगा, एक स्वीट आएगा, एक स्मॉल पापड़ आएगा, छाछ गिलास भी आएगा और तीन घी चपाती आएगा, राइस भी आएगा, जी राइस भी आएगा। ठीक है, फटाफट थाली ऑर्डर करो। ओके, थाली का चपाती घी में चलेगा ना, प्योर जैसे घी में रहता है? थैंक यू। पहले दो लाते हैं? हां पहले दो ही देते हैं। थाली ऑर्डर कर दो फटाफट। प्लेस ऑर्डर। थैंक यू। राज्य पर मैं ऑर्डर कर चुका हूं और देखते हैं कब तक आएगा। ठीक है,
तो गाइस सबसे पहले मुझे मिल गया थाली का पापड़ और छाछ। जस्ट तो मैंने यहाँ का छाछ के बारे में बहुत सुना हूँ, तो देखता हूँ आज छाछ को ट्राई करता हूँ और आप लोग बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पापड़ खाता हूँ और क्या क्रिस्पी मस्त लगा। तो अब बारी छाछ का। तो गाइस आपको बता दूँ कि जो बाहर जो पिया था छाछ, मतलब उससे कहीं ना कहीं ये बेटर मुझे लगा और थोड़ा गाढ़ा जैसा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मोटा जैसा वैसा मुझे लगा और काफ़ी अच्छा लगा, टेस्ट लगा। तो जो मैं एक्सपेक्ट किया था थाली में छाछ वैसा मुझे मिल गया, काफ़ी अच्छा लगा। और इसको यहाँ बोलते प्यार से वाइट बियर जींस, तो जो मैं पी लिया और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मेन्यू में, ठीक है। तो गाइस देख पर सबसे पहले हमें लिखा है थाली का मेन्यू और इसका प्राइस की बात की जाए तो 500 रुपये लिखा है रेगुलर थाली का, और जैन थाली की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा 525 रुपये। और एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा पनीर वेजिस दाल फ्राई राइस का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस प्रकार से फिगर दिया गया है थाली का और यहाँ पे आने वाला, ठीक है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से आने वाला, ठीक है। और गाइस देख पर क्राउड कितना है यहाँ पे भाई, कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे। मुझे लगा खाली खाली होगा पर बट यहाँ पे देखा तो आया भाई, दिखा सच में बहुत शानदार लुक यहाँ का होटल का देख पर, मतलब सच बताऊँ आप लोगों को 5 स्टार जैसा मजा वहाँ फील हो रहा है मुझे, ठीक है। और भाई हाइजीनिक का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखा गया और लाइटिंग का भी देख पर काफ़ी मेंटेन किया गया जस्ट, तो मुझे तो भाई अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्या बताऊँ, जैसा मैं सोचा था वैसा मुझे मिल गया। और आपका दाल है अभी, आपका दाल दाल सॉरी है अभी, आपका एक चपाती और राइस बाकी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मुझे मिल गया आपका दाल फ्राई गाजर है और ये वेज दिया था और ये। तो गाइस देख पा रहे थाली का डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये रहा देसी की चपाती और ये रहा आलू फ्राई और ये रहा गाजर हलवा और ये रहा वेज जाती और पनीर मटर और दाल फ्राई। पनीर मटर ना मेरा जो फेवरेट सब्जी था वो मुझे मिल गया, ठीक है। और अभी ट्राई करते फिलहाल देख पा रहे ये है दाल फ्राई जिसमें से ओनियन का तड़का लगा है और काफ़ी जाड़ा हो गया, क्या होता है देखते हैं ट्राई करता हूँ। और ये कचौरी मुझे एक ही पीस मिला है, मुझे तो और खाना है पर देखता हूँ, ठीक है फिलहाल सो लेट्स गो। तो गाइस ये रहा चपाती, तो भाई क्या बात है, मतलब चपाती इतना पतला है ना भाई, जो मैं घर पे भी इतना पतला मुझे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है भाई कि क्या स्पेशल चपाती खा रहा है पहली बार लाइफ में, क्या बताऊँ। मतलब ये चपाती अगर आप लोग खाएंगे ना 10 पीस कम से कम खा ही लेंगे, इतना पतला रहता है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है, क्या होता है आप लोगों को इतना सॉफ्ट कि पूरा हाथ में पिघल जाता है। सबसे पहले पनीर को ट्राई करते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जी पनीर मटर है, ठीक है। अब है दाल फ्राई का बारी, तो गाइस ये तो काफ़ी मोटा है, मतलब घर पे जब मैं दाल खाता था ना वो पतला रहता था बट यहाँ पे मुझे मोटा मिल रहा है, पता नहीं, मतलब धोता ना प्याज का तड़का कारण जो दाल होता है ना वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो भाई मुझे काफ़ी टेस्टी लगा, क्या बताऊँ, और थोड़ा मीठा जैसा लग रहा है मुझे, जो यम लग रहा है। मन तो कर रहा है कि दाल फ्राई को पूरा ख़त्म कर जाऊँ बट अभी राइस अभी आने वाला है तो राइस के लिए तो दाल फ्राई बचा के रखना पड़ेगा ना। सर आप थाली का राइस क्या लेंगे, प्लेन राइस है या जीरा राइस भी है? तीन चपाती खाया और मेरा पेट भर गया, ठीक राइस लेंगे। एक आदमी के लिए इतना बोलो भी खा सकते राइस देखिए आ गया और राइस बोले तो भाई मेरा ना राइस के बिना मन नहीं भरते, पेट तो भर जाएगा बट मेरा मन नहीं भरता, तो राइस मेरा फेवरेट है भाई खाने के डिश में, थोड़ा ना थोड़ा राइस चाहिए, तो उसके लिए दाल फ्राई में बचा के रखा था और पहले मैं राइस खाता तब मेरा पेट भरेगा, ठीक है। तब आप लोगों को फीडबैक देता हूँ अच्छे से लास्ट में, ठीक है। और ये रहा मेरा बासमती राइस, तो गाइस पूरा खत्म कर चुका है जस्ट, तो और मेरा जो पेट है ना पूरा फुल्ली भर चुका है। और ये रहा फाइनली गाजर का हलवा, तो गाइस ये है मेरा फेवरेट स्वीट्स में जस्ट, तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे पेट ना पूरा भर चुका है, फिर मुझे ना पेट में अलग से जगह इसके लिए बन गया, पता नहीं क्यों होता है। तो अगर आपके पेट में क्या स्वीट्स के लिए जगह रहता है लास्ट में आप लोग बताओ कमेंट में। तो गाइस देख पा रहे हैं मेरा बिल बना 525 रुपये का, ठीक है, और ये पैसा मुझे ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ का जो खाना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मज़ा लगा, ठीक है। जो मैं दाल रस खाया था ना घर पे वैसा टेस्ट मुझे अच्छा लगा और ये पूरा वेजिटेरियन होटल है और यहाँ पर देखो हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा गया और सबसे पहले देखो लाइटिंग का बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग अगर यहाँ का खाना अच्छा है तो कुछ बात करना।
खाना, तो आप लोग भगत रखना आइए और एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? तो मैं पहला स्पाइसी चिकन कर दूँगी, तो भाई आप लोग देखे ना कि मैं किस प्रकार से खाना खाया भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये था नया ब्रांच खुला था भगत का रेस्टोरेंट, जैसे ही आप लोग दिखा देखिए अच्छे से, तो भाई चलता हूँ आप और ब्लॉग को ये पिन भी करता हूँ। और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें और मेरे पीछे पर ये है वेटिंग करना लगा के पीछे मेरे वेटिंग लगा है, और वेटिंग भाई पता नहीं कब खत्म होगा, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। अभी नया नया ओपनिंग हुआ तो आप लोग आइए और फर्स्ट ऑफ ऑल बस इन्जॉय कीजिए, ठीक है?